हेलो स्टूडेंट्स कंट्रोल सिस्टम्स कोर्स लेक्चर सीरीज का लेक्चर 9.1, जिसका टॉपिक है स्टेबिलिटी एनालिसिस सबसे पहले देख लेते हैं कि फिजिकल मीनिंग जो है वो स्टेबिलिटी का क्या है इन द टर्म्स ऑफ फिज़िक्स तो यहाँ पर हमें ये तीन क्लूबेरियम की स्टेट्स नजर आ रही हैं तो हम ये देखेंगे कि सिस्टम के अंदर कि अगर ये हमारे पास एक बॉल है और इस बॉल को मूव करने से क्या ये बॉल जो है वापस इक्लियम की तरफ आ जाएगी स्टेबल हालत में आ जाएगी कि नहीं आएगी तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं इस सिस्टम में इस सिस्टम में हम देखें तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन मींस ये एक सिंपल स्ट्रेट फर्श कह लें ठीक है उसके ऊपर एक बॉल है अच्छा इस बॉल को राइट right अगर मूव करें या लेफ़्ट मूव करें ठीक है या इस पर दबाव डालें तो ये इसी जगह पे ही मौजूद रहेगी ऊपर ऊपर की साइड से भी अगर दबाव डालें तो ये इसी जगह पे ही मौजूद रहेगी असल में इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मिड है बिल्कुल मिड इस बॉल के मिड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इसको जहाँ राइट मूव करें या लेफ्ट मूव करें तो ये एग्जैक्टली exactly इसी पॉइंट पर रहेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्लेबेरियम एट एनी पॉइंट ऑफ डिसप्लेसमेंट इसको जहां मर्जी डिस्प्लेसमेंट करें ये सेम पॉइंट पे रहेगी इक्लेबेरियम के तो इस तरह के केस को कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और अगर हम इस सिस्टम को देखें तो इसको हल्का सा मूव करें राइट right या लेफ़्ट तो ये क्या होगा ये रिटर्न नहीं करेगा इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो ये पोजीशन है इक्विलिब्रियम की यहाँ पर ये रिटर्न नहीं करेगा तो मीन्स ये राइट साइड पर या लेफ़्ट साइड पर मूव होकर अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा तो इस कंडीशन को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे और यहाँ पर जो कंडीशन देखते हैं इस कंडीशन के अंदर जब इसको राइट या लेफ़्ट मूव करेंगे तो ये वापस आकर इक्विलिब्रियम की तरफ आके स्टेबल हो जाएगा तो मीन्स इस सिस्टम में टेंडेंसी है इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आने की तो इस तरह के फिजिकल सिस्टम को हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम अब ये एक फिजिकल ह्यूमन सिस्टम की एग्जांपल है कि इसमें अगर हम देखें तो दिस वन इज़ कि ये जो ह्यूमन जो है लेटा हुआ है फर्श पे तो मींस ये एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे है ठीक है और इसको अगर हम देखें इस एग्जाम्पल को कि ये उल्टा जो है वो खड़ा हुआ है तो अगर इसको हल्का सा भी टच करेंगे या यहाँ से फोर्स करेंगे या राइट पे या लेफ्ट पे तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से और गिर जाएगा राइट लेफ्ट तो मींस दिस इज जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ठीक है और ये जो है इट इज़ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम इसको अगर हम राइट और लेफ्ट मूव कराएंगे जस्ट लाइक बच्चे जो हैं वो फन लेते हैं झूलों पे तो आप नोट करें कि ये अगेन वापस इस स्टेबल पॉइंट पे आ जाएगा और जिसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम अब हम चलते हैं कंट्रोल सिस्टम के सेंस में कि कंट्रोल सिस्टम में जो स्टेबिलिटी है वो क्या है स्टेबिलिटी एनालिसिस देख लेते हैं इन डिजाइनिंग एंड कंट्रोल सिस्टम वी मस्ट बी एबल टू प्रोडिक्ट सिस्टम फ्रॉम ए नॉलेज ऑफ कंपोनेंट्स सो डायनामिक बिहेवियर मीन्स स्टेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हम कब कर पाएंगे ये तब हो पाएगा कि जब हमें नॉलेज का कंपोनेंट्स के हवाले से पता होगा हमें ये पता होगा कि कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होंगे और उसके हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो सिस्टम की यूँ कह लें कि स्टेबिलिटी जो है वो प्रडिक्ट की जा सकती है इन कंट्रोल सिस्टम स्टेबिलिटी कैन बी जस्ट बाई ऑब्जर्विंग द टाइम रिस्पॉन्स कर्व जो हमारे पास टाइम रिस्पॉन्स कर्व आती है उससे हम देखते हुए कि वो क्या स्टेबिलिटी तरफ जा रही है क्या वो स्टेडी स्टेट की तरफ जा रही है या ओवरशूट की तरफ जा रही है तो वहाँ से हम टाइम रिस्पॉन्स कर्व जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं स्टेबिलिटी का जो कि डिपेंड करती है लोकेशन ऑफ दी पोल्स पे जिसके बारे में आगे बात होगी और इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्ट्रिस्टिक है डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम की वो है एप्स स्टेबिलिटी मीन्स के सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है ठीक है ये इसको हम कहेंगे कंट्रोल uh, सिस्टम में स्टेबिलिटी कि या सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है और एनालिसिस जो है वो कैसे होगा इसका स्टेबिलिटी का उसकी डेफिनेशन क्या होगी द द गिवन सिस्टम कैन रीच स्टेडी स्टेट पासिंग थ्रू द ट्रांजिएंट्स सक्सेसफुली तो किसी भी प्रैक्टिकल सिस्टम को जब भी स्टेडी स्टेट पर पहुंचना है तो इट हैव टू पास द ट्रांजिएंट सक्सेसफुली टू रीच द स्टेडी स्टेट ठीक है इस एनालिसिस को हम कहेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द सिस्टम अब हर स्टेबिलिटी एनालिसिस में हमारे पास कंट्रोल सिस्टम में तीन टाइप्स के सिस्टम होंगे पहला होगा अलीनियर टाइम इनवेरियंट सिस्टम एल सिस्टम इज क्रिटिकली स्टेबल

जो उसकी सिस्टम की इक्विबियम स्टेट है या जो भी रेफरेंस uh, इनपुट के साथ डिजायर्ड आउटपुट रिक्वायर्ड है वहां तक अगर पहुंच जाता है तो मीन्स एल टी आई कंट्रोल सिस्टम इज स्टेबल एंड द फाइनल वन इज इट इज़ अनस्टेबल इफ द आउटपुट डायवर्जीज विदाउट बाउंड टू एन इनिशियल कंडीशंस तो अगर आउटपुट जो है वो बाउंड से ऊपर चली जाती है जो एक लिमिट है उसको क्रॉस कर जाती है और टुआर्ड्स इन्फिनिटी चली जाती है तो दिस मीन्स सिस्टम इज अनस्टेबल तो ये तीन कंडीशन हम देख चुके हैं तो ये तीन कंडीशन हम दे चुके देख चुके हैं जिसमें स्टेबल अनस्टेबल एंड क्रिटिकली स्टेबल है अब हम स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम देख लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू दमारे सिस्टम में जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके हवाले से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है द स्टेबिलिटी ऑफ ए लीनियर क्लोज लूप सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द क्लोज लूप पोल्स इन द एक्सप्लेन के जो लोकेशन ऑफ द क्लोज लूप पोल्स हैं उनसे लीनियर क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी का अंदाजा होता है तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर द दिलिस्ट्रेशन के इफ सिस्टम हैज़ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गे सी ओफ एस अपान आर ओफ एस इज इक्वल टू टेन अपॉन एस प्लस टू एस प्लस फोर इज़ अ ट्रांसफर फंक्शन सो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है इस ट्रांसफर फंक्शन के साथ यूनिट स्टेप इनपुट जो है आर ऑफ़ एस जो है वो अप्लाई करते हैं तो आर ऑफ़ एस इज इक्वल टू वन अपॉन एस इज अवर यूनिट स्टेप इनपुट और इस सिस्टम के साथ जब वन अपॉन एस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके बाद लेना करना ये होगा के सिस्टम का पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन लेने से हमारे पास तीन वेरिएबल्स के कांस्टेंट्स आएंगे न्यूमिनेटर में ए जो कि वन अपॉन एस के हिसाब से होगा बी एस प्लस टू के हिसाब से होगा और सी जो है वो एस प्लस फोर के हिसाब से होगा तो यहां पर फाइनल सोल्यूशन लिखा हुआ है कि सी ऑफ एस जो हमारे पास आएगी वो आएगी वन पॉइंट टू फाइव अपॉन एस माइनस टू पॉइंट फाइव अपॉन एस प्लस टू और प्लस वन पॉइंट टू फाइव अपॉन एस प्लस फोर तो इसको हम इनवर्स लेपलास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हमारे पास जो फाइनल सोलूशन आएगा वो ये आएगा 1.25 पॉइंट टू फाइव माइनस टू पॉइंट फाइव ई टू द रेज पावर ऑफ माइनस टू टी प्लस वन पॉइंट टू फाइव ई टू द रेज पावर ऑफ माइनस फोर टी अब क्लोज लूप पोल्स यहाँ अगर हम देखें कि सिस्टम के जो क्लोज लूप पोल्स हैं माइनस टू एंड माइनस फोर और ये दोनों क्लोज लूप पोल्स जो हैं ये सिस्टम के या एस प्लेन जो है हमारे पास एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड पर लोकेट करते हैं तो आउटपुट क्या होगी आउटपुट रिस्पॉन्स एक्सपोनेंशियल टर्म होगी और क्या होगी नेगेटिव होगी इसमें ठीक है एक्सपोनेंशियल ये हमारे पास मौजूद है और माइनस टू टी ये नेगेटिव इंडिसेस है इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम जो है वो कन्वर्ज करेगा टुवार्ड जीरो सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टेडी स्टेट की तरफ आ जाएगा अगर हम एक एग्जाम्पल और देखें और जिसमें एक क्लोज लूप पोल जो है वो राइट हैंड साइड पे लोकेट करता है तो अब सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी नाउ लेट अस हैव अ सिस्टम विद वन क्लोज लूप पोल लोकेटेड इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन तो यहाँ सिस्टम में अगर हम एक पोल जो है वो ले लेते हैं एस माइनस टू दिस इज वन पोल दैट इज़ लोकेटेड इन द राइट हाफ ऑफ अ प्लेन तो अब क्या होगा कि ये सिस्टम एज इट इज वैसे का वैसे सॉल्व हो जाएगा कंप्लीट और इसमें हमारे पास ए बी सी कॉन्स्टेंट ट्रांसफर फंक्शन में आ जाएंगे न्यूमिरेटर में अब जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो आएगी ये आउटपुट माइनस वन पॉइंट टू फाइव माइनस जीरो पॉइंट एट डबल थ्री ई टू दाव पावर ऑफ प्लस टू टी और प्लस जीरो पॉइंट फोर वन सिक्स ई टू द रेज पावर ऑफ माइनस फोर टी अब हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि सिस्टम जो है वो कन्वर्ज हो रहा है टू तो जीरो या स्टेबिलिटी पे आ रहा है कि नहीं आ रहा इसको देखने के लिए एक वेरी सिंपल सा तरीका है कि हमारे पास एक्सपोनेंट में जो वैल्यूज गिवन है वो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्यों ना हम अपने सिस्टम में वैल्यूज़ टाइम की डिफरेंट पुट करना शुरू कर दें जस्ट लाइक like अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारा होल सिस्टम यहाँ पर देखें तो ज़ीरो होगा अगर वन पुट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस फोर पॉइंट नाइन वन और इसी तरीके से अगर टू पुट करें तो प्लस फोर्टी और इसी तरीके से अगर चार पुट करें तो प्लस टू तो आउटपुट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है टुआर्ड्स इंफिनिटी तो क्या होगा ड्यू टू एक्सपोनेंशियल टर्म विथ पॉजिटिव इंडेक्स ट्रांजिएंट्स गो ऑन इंक्रीजिंग इन एम्पलीट्यूड ट्रांजिएंट जो है वो सक्सेसफुली पास ही नहीं हो पाएगा और वो टुआर्ड्स इंफिनिटी चला जाएगा और सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा सो सच सिस्टम इज स्टेबल सेट टू बी अनस्टेबल तो इस तरीके से क्योंकि हमारे पास एक जो पोल है सिस्टम का वो राइट हाइड साइड ऑफ एसप्लेन था जिसकी वजह से आउटपुट uh, जो है वो कन्वर्ज नहीं हो सकी टू आर्ड स्टेबिलिटी फॉर सच अनस्टेबल सिस्टम इफ इनपुट इज रिमूव्ड आउटपुट में नॉट रिटर्न टू जीरो क्योंकि जब इनपुट रिमूव कर ली जाए तो आउटपुट जो है वो ऑलरेडी इंफिनिटी की तरफ मूव कर चुकी होती है तो वो रिटर्न टू जीरो नहीं होगी और इसीलिए सिस्टम इस जो है वो अनस्टेबल कहलाता है अब इनके ग्राफ्स देख लेते हैं कि स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम के ग्राफ्स जो हैं वो क्या होंगे तो इट इज क्लियर दैट इफ एनी ऑफ द क्लोज लूप पोल्स लाई इन राइट हाफ ऑफ एक्सप्लेन देन इट गिव्स द एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ पॉजिटिव इंडेक्स ठीक है ये बात क्लियर हो चुकी है एंड ड्यू टू दैट ट्रांसेंट रिस्पॉन्स ऑफ इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड मेकिंग सिस्टम अनस्टेबल अगर हम यहाँ देखें तो दिस इज एक्सपोनशियल सिस्टम एंड दिस इज दाइनोसाइडल ठीक है या ऑसुलेटर ऑसलेटिंग बिहेवियर है यहाँ पर तो हम यहाँ पर अगर आए तो हम देख सकते हैं कि टुवार्ड इन्फिनी मूव कर रहा है और यहाँ पर भी इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है ऑसुलेटिंग बिहेवियर का और ये बढ़ता ही जाएगा और हती कि इंफिटी की तरफ चला जाएगा और सेबल सिस्टम में अगर हम आए तो इट कन्वर्ज टू ज़ीरो ठीक है एंड सिस्टम इज़ स्टेडी स्टेट आउटपुट एंड जस्ट लाइक हेयर डैम्प्ड ऑक्सोलेशन हैं और ये कन्वर्ज हो रही हैं टू आउट ज़ीरो एंड स्टेडी स्टेट आउटपुट की तरफ सो इन सच सिस्टम्स आउटपुट इज़ अनकंट्रोलेबल एंड अनबाउंडेड वन क्योंकि ये अनकंट्रोलेबल है और जो बाउंडेड है वो भी इसकी जो बीबो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर पूरी नहीं हो रही जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे इसी तरीके से यह भी अनबाउंडेड होता जाएगा तो इसी तरीके से इन सिस्टम में अगर इनपुट को रिमूव कर दिया जाए आउटपुट जो है वो जीरो पर रिटर्न नहीं होती अब तक हम दो सिस्टम देख चुके हैं एक में स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल अब जो तीसरा सिस्टम एल में होता है वो होता है क्रिटिकली एंड मार्जिनली स्टेबल सिस्टम तो इसको देख लेते हैं कि क्रिटिकली और मार्जिनली स्टेबल सिस्टम क्या होता है कि if one or more pairs of simple roots, कि इफ वन और मोर ऑफ सिंपल नॉन रिपीटेड जब नॉन रिपीटेड रूट जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे लोकेट करेंगे इमेजिनरी एक्सेस पे ठीक है अगर इमेजिनरी एक्सेस पर सिंपल नॉन रिपीटेड रूट्स जो हैं वो एस प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे तो आउटपुट जो होगी वो रिस्पॉन्स अनडैम्प्ड साइनोसाइडल ऑफिसलेशन होंगी या हम उन्हें कह सकते हैं कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड की ठीक है ऑप्शलेशन होंगी साइनोसाइडल टाइप की तो इसमें यह होगा कि स्टेडी स्टेट जो आउटपुट है वो हम देख पाते हैं कि अपर और लोअर बाउंड में ही रहेगी और होगी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑक्सोलेशन की तो वे इसी तरीके से सिस्टम जो है वो मूव करता रहेगा और इस सिस्टम को जो है वो क्रिटिकली मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कहेंगे और इसके बरकस अगर हम यह कहें इफ देर आर रिपीटेड रूट्स ठीक है लोकेटेड ऑन इमेजिनरी एक्सिस प्योरली सो हम ये कहेंगे कि सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है ठीक है ये डिफरेंस देने में रखेंगे कि नॉन रिपीटेड का मतलब ये होगा कि जे ओमेगा वन माइनस जे ओमेगा वन और दूसरा पोल जो है वो जे ओमेगा टू माइनस जे ओमेगा टू ये होगा नॉन रिपीटेड और रिपीटेड में दो पोल्स होंगे और दोनों प्लस माइनस जे ओमेगा वन होंगे तो मीन्स हेयर इन दिस सिचुएशन द सिस्टम इज अनस्टेबल ठीक है सो द स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इट कि जो सिस्टम है उसकी ये अपनी प्रॉपर्टी है कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है जैसा कि हम कह सकते हैं कि क्लोज लूप पोल्स ऑफ दिस सिस्टम जो है उस पर यह डिपेंड करता है स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी और ये डिपेंड नहीं करती इनपुट या ड्राइविंग फंक्शन पे एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनपुट और ड्राइविंग फंक्शन ठीक है स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी वो ड्राइविंग फंक्शन जो भी हम देते हैं इनपुट में जो आर ऑफ एस होती है हमारी सिस्टम की उस पर डिपेंड नहीं करती ठीक है और जो हमारे पास इनपुट होते हैं उस उनके जो पोल्स होते हैं वो सिस्टम की स्टेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करते ठीक है वो ओनली इफेक्ट करते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को या स्टेडी स्टेट आउटपुट को क्योंकि वो हमारा फोर्स रिस्पॉन्स होता है और फोर्स रिस्पॉन्स क्या करता है सिस्टम को ड्राइव करवाता है थ्रू सक्सेसफुली पासिंग द ट्रांजिएंट पीरियड एंड टू रीच स्टेडी स्टेट पीरियड विदाउट द स्टेडी स्टेट एरर या जितना कम एरर हो सकता है उस लिहाज से तो ये आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा अब नेक्स्ट चलते हैं कंडीशन देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी की जो कंडीशन है वो कौन कौन सी होंगी सिस्टम्स के डिफरेंट सिस्टम्स के हवाले से तो स्टेबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं कि नेचर ऑफ क्लोज लूप पोल्स हमारे पास क्या होंगी उसके हिसाब से लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स एस प्लेन पे क्या होंगे और उनका जो स्टेप रिस्पांस है वो किस तरीके से आएगा उसका क्या ग्राफ आएगा क्या रिस्पॉन्स मिलेगा और जो स्टेबिलिटी कंडीशन हमारे पास अवेलेबल होंगी वो क्या होंगी सबसे पहले देखते हैं कि नेचर जो है अगर हम ये कहें कि रियल है नेगेटिव है और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन है मतलब ये हुआ कि माइनस हुआ और रियल में हुआ रियल मतलब माइनस टू माइनस फोर या माइनस थ्री माइनस फोर ठीक है इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और इस तरह के सिस्टम को जब लोकेशंस हमारे सिस्टम की इस तरह की होंगी तो स्टेप रिस्पांस ऑलवेज प्योरली एक्सपोनेंशियल होगा ठीक है प्योरली एक्सपोनेंशियल होने का मकसद यह है कि कन्वर्ज टुवर्ड्स जीरो एंड द सिस्टम इज एब्सोल्युटली स्टेबल सो दिस इज द फर्स्ट स्टेबिलिटी कंडीशन नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा सिस्टम जो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा के माइनस सिग्मा सिग्मा प्लस माइनस ओमेगा की फॉर्म में होगा और माइनस सिग्मा का जो पार्ट होगा वो माइनस में होगा विद नेगेटिव रियल पार्ट ठीक है तो माइनस सिग्मा प्लस माइनस ओमेगा हुआ इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ तो हम ये इसकी लोकेशन ऑफ क्लोज पोस्ट देख लेते हैं कि ये हमारे पास माइनस है अगर माइनस टू माइनस टू प्लस माइनस ठीक है टू जे हम कह सकते हैं तो इस तरह के जो सिस्टम होंगे उनको हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विद नेगेटिव रियल पार्ट है और इसका जो स्टेप रिस्पांस है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा होगा और डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के साथ होगा हम देख रहे हैं कि सिस्टम जो है वो एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है और स्लोली कन्वर्ज टू जीरो एंड टुवर्ड्स स्टेडी स्टेट तो ये सिस्टम भी एब्सोल्यूट स्टेबल होगा अब आ जाते हैं सिस्टम के थर्ड हिस्से की तरफ स्टेबिलिटी कंडीशन के कि अगर सिस्टम रियल हो पॉजिटिव हो दैट इज इन राइट हाफ पे हो राइट हैंड साइड पे हो ऑफ एस प्लेन तो क्या होगा कि अगर एक भी एक भी पोल जो है वो सिस्टम में राइट हैंड साइड पे आ जाता है तो सिस्टम क्या होगा एक्सपोनेंशियल होगा लेकिन इंक्रीजिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी तो सिस्टम टुवर्ड्स इंफिनिटी इंक्रीज होता जाएगा जस्ट लाइक दिस वन एंड नॉट कन्वर्स टू जीरो तो इस तरह के सिस्टम्स को अनस्टेबल सिस्टम कहेंगे तो हम तीन स्टेबिलिटी कंडीशन जो है वो देख चुके हैं आप नेक्स्ट मूव करते हैं अगर सिस्टम की स्टेबिलिटी में यह कहें कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विद पॉजिटिव रियल पार्ट पहले था सिस्टम में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विद ने पार्ट लेकिन यहां पर कॉम्पलेक्स कॉन्जुगेट विथ पॉजिटिव रियल पार्ट दैट इज़ राइट हैंड साइड ऑफ एक्सप्लेन तो यहाँ ये यह होगा कि प्लस टू अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो प्लस टू ठीक है प्लस माइनस जे टू तो मीन्स अब सिस्टम जो है उसका जो रियल पार्ट है वो राइट हैंड साइड पे है ठीक है तो क्या होगा स्टेप रिस्पॉन्स ऑसलेशन ऑफ इंक्रीजिंग एम्पलीच्यूड होंगी कि जो सिस्टम है वो स्लोली स्लोली इंक्रीज होगा towards और जो सिस्टम है वो अनस्टेबल कहलाएगा अब अगले सिस्टम की तरफ देखते हैं कि नॉन रिपीटेड पेयर ऑन इमेजिनरी एक्सिस विदाउट एनी पोल इन राइट हैंड साइड ऑफ एक्सप्लेन के सिस्टम में अगर नॉन रिपीटेड पेयर हैं ठीक है ऑन इमेजिनरी एक्सिस और कोई पोल हमारे पास राइट हैंड साइड में नहीं है इसके अलावा तो सिस्टम क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ सस्टेंड ऑसोलेशन होंगी या कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी पे वो मूव करता रहेगा और इसको हम कहेंगे मार्जिनली और क्रिटिकली स्टेबल और आखिरी सिस्टम जो है अगर रिपीटेड पेयरस होंगे ऑन इमेजिनरी एक्सेस विदाउट एनी पोल इन राइट हैंड साइड ऑफ एक्सप्लेन तो दिस मीन्स के सिस्टम जो है वो हमारा ऑसलेशन होगी और इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के साथ सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करता जाएगा तो ये छः कंडीशन हैं जिनको आप लोगों ने जेन में रखना है और इन्हीं के आ, मतलब लोकेशन ऑफ पोल्स के हिसाब से आप अपने सिस्टम को समझ पाएंगे और देख पाएंगे सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या बिहेव करेगा इंपल्स रिस्पॉन्स हम देख सकते हैं विद डिफरेंट रूट लोकेशन तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि पोल्स की वो स्टेबिलिटी को शो करती है तो ये हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड का जो है ये स्टेबिलिटी को शो करता है इसको हम कहेंगे दिस वन इज अ स्टेबल सिस्टम और दिस सिस्टम एरिया इज अनस्टेबल सिस्टम तो इस सिस्टम में हम देखें डिफरेंट लोकेशन ऑफ़ पोल्स पे डिफरेंट हमें ग्राफ मिलेंगे और हम देख पाएंगे कि जब हमारा सिस्टम इमेजनरी एक्सिस पे होगा तो याद रखें कि सिस्टम हमारा कॉन्सटेंट फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पर मूव करता रहेगा जस्ट लाइक दिस वन ठीक है और इस तरीके से जैसे जैसे हम मूव करते रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और ये जो इमेजिनरी एक्सिस से जितना दूर जाते जाएंगे सिस्टम स्टेबिलिटी बेहतर होती जाएगी और यहाँ पर अगर हम देखें तो सिस्टम जो है वो स्टेबल होता जा रहा है और यहाँ पर सिस्टम स्टेबल होगा लेकिन थोड़ा सा एम्पलीट्यूड जो है वो आउसोलेशन ज़्यादा आएंगी और फिर सिस्टम स्टेबल होगा तो ये डिफरेंट रूट लोकेशन यहाँ मौजूद हैं उसके हिसाब से देख सकते हैं कि स्टेबल रीजन कहाँ कहाँ कैसे कैसे होंगे और इसी तरीके से अगर हम राइट साइड पर आएँ तो हम देख सकते हैं कि ये सिस्टम टॉवाड्स स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है लेकिन जैसे ही हम राइट साइड पर जाएंगे तो सिस्टम मूविंग टू टुवाड्स अनस्टेबल रीजन या इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और इसी तरीके से ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है एम्पलीट्यूड में और ये सारे सिस्टम हम देख सकते हैं कि मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स इन्फिनिटी और ये जो रीजन है वो अनस्टेबल रीजन है तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को आज तक का लेक्चर समझ आ गया होगा थैंक यू वेरी मच